संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं बताया किस तरीके से लगातार वे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और अभी तक के उनकी भी मांगें लंबित हैं। किसी भी तरह से सरकार उनके मांगों पर विचार विमर्श नहीं कर रही। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। मौजूद है हम संयुक्त पेंशन कल्याण समिति की बैठक में। आज बैठक कहूँ या धरना कहूँ ये तो इन्हीं से जानेंगे। हाँ, सभा कहूँ, सबसे सही शब्द सभा है, क्योंकि कुछ लोग जुड़ के अपनी पेंशन को लेके, उन आप समस्याओं को लेके बैठे। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दुबे। आज जो आप लोग बैठे हैं, सभा जो आप लोगों ने आयोजित की है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है, हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको मैं सरकार से रेगुलर मांग करता चला रहा हूँ। से मांग कर रहे हैं? अरे हो गया 2 साल करीब। अच्छा, उन समस्याओं में से कुछ समस्या एको नहीं हल हुई, सरकार पास समय ही नहीं सुनने को। वो आपको दिया हूँ कापी, 17 सूत्री मेरा मांग पत्र है, उसी को लेकर आज का कार्यक्रम चल रहा है। सुवरण सिंह, पावर कॉर्पोरेशन से हूँ। आज जो बैठक हो रही है सभा में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो मांगे एक जायज है हम लोगों की और स्टेट में मिल रहा है, वो मिलना हमको भी चाहिए, क्या उसमें हर्जा है? इसलिए अब एक एक नेताओं को तो कई कई पेंशनें मिलती हैं, हम लोगों को बस एक पेंशन जो है वही पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। थोड़ा इस तरफ ध्यान देते हुए हम लोगों की तरफ इस चीज़ को शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना धर रहे हैं, ये आप जो भी से शब्द दीजिए। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी मांगे जो हम पूरी हों इस उम्र में, और हम लोग मतलब सिवाय निवेदन के और करेंगे क्या? क्या नाम है? ओंकारनाथ तिवारी जी। जो पेंशनर्स की मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उन पर विचार करे सरकार और शीघ्रातिशीघ्र इसको पूरा करे। अन्य राज्यों में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हीं की भांति कम से कम राज्य सरकार भी जो है ये मांग पूरी करके। ऊपर वही मांग रहे हैं जो कहीं ना कहीं मिल रहा है, वो आपको भी चाहिए। पी के शर्मा, कहना ये चाहेंगे कि हमारी मांग नहीं है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। जो एक बुढ़ापे में एक बुढ़े आदमी को होती हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हैं। दूसरी चीज़, सरकार हमें जो मांग है वो तो दे नहीं रही, हमारा उल्टा पैसा ले रही है। हमारा कम्यूटेशन पेंशन 12 साल के लिए 10 साल में कट जाता है पूरा पैसा, 15 साल तक सरकार हमारा पैसा काटती है। तो ये तो हमारा पैसा और ज़्यादा काट रही है, हम उसको कह रहे हैं कि आप बंद कीजिए। सरकार की अपनी एक जो है संसदीय समिति है, उसने कहा कि पेंशनरों को 60 साल के बाद जो 80 साल पर जो आप 20% देते हैं वो हर 5 साल में दे दीजिए। जब आपकी समिति कह रही है और उसको भी आप नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हमारी आवश्यकताएँ हैं जो सरकार नहीं पूरी कर रही है। एलपी त्रिपाठी, आज की बैठक हमारी बहुत आवश्यक हो गई है। हमारी जो जहाँ जहाँ हम जाते हैं अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, वहाँ हमारी बात सुनी जरूर जाती है, लेकिन कुछ किया नहीं जाता है। तो हमको मजबूर होकर के ये सब करना पड़ा है। और एक लेबर जो होता है, मामूली लेबर होता है, वो भी अपनी मजदूरी हर साल बढ़ा लेता है, लेकिन हमारी पेंशन हमारे रिटायरमेंट के बाद जो एक फिक्स हो गई है वो 80 साल तक वही बनी रहती है। और 80 साल के बाद जो पेंशन बढ़ती है उसकी कोई आवश्यकता हमको नहीं रहती है, इसलिए हमारी पेंशन 65-70 पर बढ़ोतरी के लिए हम पूरी तरह से इसमें लगे रहेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक हम कार्यक्रम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और लोगों से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे फिर मैं। दीन बंधु सिंह। अच्छा, रिटायर्ड कब हुए सर आप? हाँ जी, रिटायर्ड 1 साल पहले हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमारे राज्य कर्मचारी, हमारा डिप्लोमा इंजीनियर रिटायर्ड एसोसिएशन जो है, वार्डे वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर, इनकी विभिन्न मांगें यहाँ पे लंबित है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि 65 साल पे 5% की बढ़ोतरी की जाए, 70 पे 10% की बढ़ोतरी की जाए, 75 साल जब हो तो 15% की जाए। इसी तरीके से जो हम लोगों ने पैसा ले कर कम्यूटेशन लिया था उसको 15 साल में गवर्नमेंट रिकवरी करती है, उसमें हमारा कहना है कि उसको 12 साल में पूरा किया जाए। और बढ़ोतरी को लेकर
हाँ, एनपीएस से आच्छादित जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको भी मेडिकल की सुविधा दिया जाए। जब वो पूरी की पूरी नौकरी किए हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है, तो उसके बाद उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जाता है? और हम कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं, तो सरकार हमारे डिप्लोमा इंजीनियरों की मांगों पर वांछित सुनवाई नहीं कर रही है। यही हमारा रोष है, चाहे हेल्थ मिनिस्टर से हो, चाहे डायरेक्टर पेंशन से हो, चाहे वित्त मंत्री जी से हो, सभी लोगों से, हमारे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष। ये आज हमारा जो ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, 17 सूती मांगे हमारी हैं, और हम लोग बहुत समय से 4-5 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार कर रहे हैं। हमारी माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी वार्ता इस संबंध में हो चुकी है पिछले महीने, और इसी सप्ताह हमारी सुरेश खन्ना जी से, जो प्रदेश के वित्त मंत्री, उनसे भी वार्ता हुई थी। वार्ता में आश्वासन तो दे दिए जाते हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं संपन्न हो पा रही है, तो मजबूर होकर आज हम लोग को यहाँ पर धरने का कार्यक्रम भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हम लोग भेज रहे हैं आज 1700 की मांगों पर। और इस पर हम लोग फिर वही बातें, वही हमारी पुरानी मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग का ये है कि 65-70-75 साल पे और प्रदेशों ने 5-5% की पेंशन वृद्धि दी है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक नहीं हुई है। राशिकरण की जो हमारा भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार दे चुकी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक उसको नहीं दिया है। पुरानी पेंशन के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन भी मिलनी चाहिए सबको, ओपीएस का जो लाभ है, जो हमारे नए 17 सूत्री मांगे हैं आपकी, 17 सूत्री मांग, और लोगों से जानेंगे, और भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सेवक गौड़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो मांगे हैं काफ़ी दिनों से लंबी चल रही हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो आसानी से कर दे, हम लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट हम लोग मांगे मानेंगे तो हम लोग भी साथ गवर्नमेंट साथ रहेंगे, नहीं तो हम लोग मजबूर हो जाएगा। कोई कौन चाहता है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना चाहता है? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता, नहीं चाहता। और सर से पूछूँगी, सर आए और जाने क्या कहना चाहेंगे सर, और इंटरव्यू दिखाएंगे नहीं, इसलिए मैं क्या करूं? बैठिए तब। हाँ बैठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बैठ के बात करें सर, बताइए। मेरा नाम है शिवशंकर दुबे, और मैं अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स, रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स जो महासंघ है उसका अध्यक्ष हूँ। देखिए आज जो परिस्थितियाँ हैं, ये पेंशनरों का धरना, यही नहीं पूरे देश में स्थिति ये है कि सरकारें और ख़ास करके केंद्र सरकार चाहती है कि ये पेंशनर या तो चले जाएं ऊपर को, या इनको कुछ देना ना पड़े। तो अब सवाल ये है कि जो हम पूर्वज लोग हैं जिन्होंने देश को बनाने में अपना योगदान दिया, अब उनको सरकार कुछ नहीं देना चाहती है। अभी देखिए ओल्ड पेंशन नहीं दे रही है, उसके बाद और भी हमारा महंगाई भत्ता 18 महीने का रोका हुआ है, वो भी नहीं दे रही है। संसदीय समिति ने कहा कि इनको 65-70-75 पर पेंशन में वृद्धि करिए, सरकार ने मना कर दिया। फिर राज्यसभा में पूछा कि साहब क्या आप 8वां वेतन आयोग लगाएंगे? उन्होंने कहा अभी हमारा क्यों कोई योजना नहीं है। कहने का मार कर आप लोगों ने सोचा कि आज हम एक सभा करते हैं जिसमें अपनी मांगों को उठाते हैं। अब ये यही नहीं है, ये सारे देश में लोगों के अंदर एक वो जो है निराशा है और आक्रोश भी है, लेकिन अब केंद्र सरकार मजबूत है, वो सरकार को विश्वास है कि हम जीत जाएंगे। लेकर आज संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति द्वारा एक बैठक हुई है, जहां पर पेंशन को लेकर उनकी 17 सूत्रीय मांग है, इस मांग को लेकर आज उन्होंने एक बैठक करी है, और इसे बैठक है धरना का है, उन्होंने अपने शब्द में कही है, और हमें लगता है आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, आप उसको रोड पर उतर आयोग को लेकर, तो ये धरना ही है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, और ऐसी खबरों के साथ फिर मिलते हैं, फिर कहेंगे।